जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय। फर्नीचर लाइव पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शीशम की लकड़ी के बोटे दिखाने वाला हूं, यानी कि लॉक के माल दिखाने वाला हूं। और ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, ये जितनी भी ऊपर की लकड़ी है शीशम की, जो कच्चा माल होता है वो बिल्कुल सड़ चुका है, क्योंकि लकड़ी जो है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। जब शीशम की लकड़ी पूरी तरीके से सूख जाती है तो ऊपर का जितना भी कच्चा माल होता है लॉक का, वो सड़ जाता है, क्योंकि भाई उसमें चीटे वगैरह, घुन वगैरह, दीमक वगैरह लग जाते हैं। तो ऊपर का जितना भी जो है आपको कच्चा माल दिखाई दे रहा है वो सड़ चुका है, और अंदर का जो आपको रेडी स्टोन वाला माल दिखाई दे रहा है वो ठीक ठाक है, और उसकी लाइफ जो है वो अल्टीमेट है। जितनी शीशम की लाइफ होती है उतनी किसी भी लकड़ी की लाइफ नहीं होती है। तो आप जो है शीशम की लकड़ी ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है पक्का माल यूज करिएगा इस तरीके का। भाई कच्चा माल यूज मत करिएगा, कच्चा माल सड़ जाता है कुछ समय के बाद। अगर नहीं भी सड़ता है तो थोड़े समय के बाद, 2-3 साल 5 साल के अंदर में वो पूरी तरीके से सड़ जाता है, कच्चा माल जितना भी शीशम का होता है। तो आप जो है लॉक लीजिए, चाहे लकड़ी लीजिए शीशम की, तो शीशम की लकड़ी जो है वो पूरी पकी हुई लीजिएगा, कच्चा माल बिल्कुल मत लीजिएगा। चाहे आप डोर के लिए माल लेते हो, चाहे फर्नीचर का काम आपको करवाना हो, तो कच्चा माल शीशम का यूज नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर आपने शीशम में कच्चा माल यूज कर लिया तो आपके पैसे हो जाएंगे बर्बाद। इसलिए मैं हर फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज देता रहता हूँ, जिससे कि आपको नॉलेज होती रहे। लकड़ियों से जुड़ी हुई नॉलेज देता हूँ, फर्नीचर वर्क से जुड़ी हुई नॉलेज देता हूँ। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भाई देख लीजिए, ये लकड़ी ऊपर से बिल्कुल सड़ चुकी है, क्योंकि भाई जो शीशम का कच्चा माल होता है वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है अगर लकड़ी लीजिएगा तो जो शीशम की लकड़ी लीजिएगा, सिर्फ पकी हुई लकड़ी लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट शीशम की लकड़ियाँ हैं, जिनमें से भाई थोड़ा काम था मुझे तो इसलिए मैं चिरवाने आया था, तो इसलिए मैंने आपको नॉलेज दे दी। देख लीजिए कितनी सड़ी हुई है, ऊपर का जितना भी कच्चा माल होगा वो बिल्कुल सड़ जाएगा, और सड़ा भी नहीं होगा तो कुछ समय के बाद बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, दीमक घुन वगैरह पकड़ लेते हैं शीशम में। तो आप शीशम का कच्चा माल यूज मत करिएगा, शीशम का सिर्फ और सिर्फ पक्का माल यूज करना है। और मैं जो यहाँ पे आया हूँ दीवान के पाए के लिए, जो दीवान बनती है उनके जो पाए होते हैं उनको निकलवाने के लिए आया हूँ। शीशम की लकड़ी की डिमांड की थी कस्टमर ने, तो मैंने उनको शीशम की लकड़ी में पाए देने के लिए कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने बोटा है, जिसमें से शीशम की लकड़ी के 4 पाए निकलेंगे, और जो कच्चा माल है वो बिल्कुल हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो शीशम का कच्चा माल होता है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ, नॉलेज देता रहता हूँ इसी बारे में, लकड़ियों से जुड़ी हुई, फर्नीचर जुड़ी हुई। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन नॉलेज के लिए। यहाँ पे जो है आरा मशीन पे जो है अपना जो बोटा है, जिसमें से 4 पीस निकालने हैं दीवान के पाए, जो कि 2 फीट लंबाई है, और इनकी जो मोटाई है 3x3 है, तो वो निकाली जा रही है। अगर आप 2 फीट 4 फीट के अंदर में जो है लकड़ी लेते हैं शीशम की, तो कट साइज आपको मिल जाता है 1400 रुपये 1300 रुपये घन फिट में। मतलब कि ये जो काट के हमको देंगे तो 1300 रुपये 1400 रुपये घन फिट के हिसाब से लकड़ी जोड़ेंगे, और जो कच्चा माल है उनसे मेरा मतलब नहीं है, सिर्फ पका हुआ माल 1400 रुपये घन फिट के हिसाब से हमको मिलेगा, ठीक है। अगर इससे लंबाई में अगर आप ज़्यादा जाते हैं, 7 फिट तक जाते हैं, तो भाई उसका रेट बढ़ जाता है, 1800-2200 रुपये हो जाता है, क्योंकि लकड़ी की मोटाई और लकड़ी की लंबाई के हिसाब से रेट लगता है। इसलिए भाई ये छोटा बोटा है तो 1400 रुपये घन फिट के हिसाब से मुझको जो है पड़ गया है, वो भी कट साइज। ये जो कटिंग निकल रही है इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पक्का माल की जो 4 बोटे हैं वो मिलेंगे मुझको, क्योंकि ये कच्चा माल भाई यूज मैं नहीं करता हूँ, और ना ही किसी कारपेंटर को यूज करना चाहिए, ना ही किसी कस्टमर को फर्नीचर काम में यूज करना चाहिए। यहाँ पे अपने बोटे कट चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।